भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेतुके बयान और बेसरपैर की बातों से ट्रोल होती रहती हैं। ना तो वो बॉलीवुड को कोई अच्छी पिक्चर ही दे सकी हैं, ना ही सियासत में भी कुछ ऐसा कर पा रही हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। तो इसलिए कंगना रनौत ने नया हथकंडा अपनाया है लोगों को अपमानित करने का। इसी कड़ी में कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद से वो बुरी तरह से ट्रोल होने लगी हैं। दरअसल कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की फोटो शेयर की। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से गुस्सा और आपत्ति दिखाई दे रही है। इस फोटो में राहुल गांधी ने सर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी पहनी हुई है, माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है और गले में क्रॉस भी है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, जाति जीवी जी से बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। इस एडिटेड फोटो के बाद कंगना बुरी तरह से घिर गई हैं। कंगना ने एक दूसरी स्टोरी पर कैप्शन लिखा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, दूसरी बार भारत को टुकड़ों में बांटने की बात मत करना, किसी भारतीय से उसकी जात पूछने जैसी छोटी बात मत करना, करने को तो बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने जैसी बात मत करना। सुना तो तुमने भी होगा राहुल गांधी जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बताते चले कि केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर, जो कि वो भी अपने बेतुके बयान की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी जात पूछ डाली। उन्होंने कहा, जिसे जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर संसद में काफी वाबैला कटा। राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर से अपमान करने की बात कही थी। विपक्षी नेताओं ने भी इस टिप्पणी पर खुलकर विरोध किया और नाराजगी भी जताई। भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो पर मचे बवाल से पहले भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। कंगना ने लिखा था कि अपनी जात का कुछ अता पता नहीं, नाना मुस्लिम, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई हो और इनको सबकी जात पता करनी है।